तो गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कि हमने कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या बताया और आज क्या रहा। तो मैं शुरू करने से पहले आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है और YouTube के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना। आप लोग लाइक करें, आज जरूर लाइक करो, सभी को प्रॉफिट हुआ होगा जो हमारा चैनल देखता है। और अगर कॉल साइड में होगा, पुट साइड में होगा, तो लॉस जरूर हुआ होगा। तो आप लोग लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के नाम से है, ठीक है। तो देखो कल हमने क्या बताया था, 23 फरवरी को के 3 तेजी 2 मंदी बैंक निफ्टी में तेजी करके बताया, और 350 ऊपर गया है और निफ्टी करीब 150 गया है ना, और पूरे दिन निफ्टी तो जो है ग्रीन में ही रहा है, ठीक है। फिर आप लोगों को एक टाइम दिया था मैंने, उस टाइम पे 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर आया था और 40 पॉइंट सेम टाइम पे आप देख लो, मैंने बोला था पहली कैंडल पे आप लोग देख लेना, 40 पॉइंट निफ्टी ऊपर आया है, ठीक है। तो ये हो गया हमने जो कल बताया था, ठीक। अभी हम 24 की बात कर रहे हैं, 24 को बृहस्पतिवार है, तो मैं बृहस्पतिवार को एक्चुअल बनाता नहीं, फिर भी आप लोगों को मैं आज 2-3 टाइम दे रहा हूं इसमें, ठीक है। आपने करना क्या है, वो टाइम ऑब्जर्व करना। तो मैं इसका फोटो आपको अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है, 24 को वेंसडे का, ठीक है। हाँ चलो कोई नहीं, कल एक्सपायरी नहीं है, मैं गलत सोच रहा था, ठीक है। तो यहाँ 24 तारीख को मैं ये 3 टाइम दिए हैं बुधवार के, ठीक है, और ये मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहा हूं। तो बानो जिसको नहीं दिखाई देते, ठीक है, तो ये मैं उसकी वजह से लिखा था, तो ये मैं क्या करूंगा उस पर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आप लोग इसको देख लेना। अब हम कल की बात कर रहे हैं, 24 फरवरी को क्या हो सकता है मार्केट में। मैंने लिखा है डाउन और अप मार्केट को। तो देखो मैं बता रहा हूं, मार्केट कल गैप अप खुल सकता है स्टार्टिंग में, या फ्लैट खुला तो ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट, और ऊपर की तरफ 10 बजे तक रह सकता है, और 10:30 से डाउन जाएगा मार्केट, करीब 2-2.5 घंटा डाउन में रह सकता है। आपको कुछ नहीं करना, बट टाइम पे देखो, इस टाइम पे मार्केट किधर चल रहा है, 10-5 पॉइंट जिधर जाता है उसके साथ हो जाओ, आपको मिल जाएगा। फिर 1:07 पे मार्केट क्या है, अप जा सकता है। तो अभी आपको ध्यान क्या करना है कल के लिए, कि अगर मार्केट 13:07 पे अप की साइड हो जाता है और फिर बाद में अप में ही बंद होता है, तो मार्केट बृहस्पतिवार को अप खुलेगा और दोपहर तक करीब 11:30 तक अप रहेगा। बात समझ गए, दोबारा बताता हूं, मार्केट 13:07 से अप हो गया और अप की तरफ बंद होता है, तो 11:30 के करीब तक बृहस्पतिवार को भी मार्केट अप रहेगा, क्लियर। उसके बाद फिर डाउन आ सकता है, बृहस्पतिवार की बता रहा हूं मैं, ये कल के, उससे फिर बात करेंगे बृहस्पतिवार की कल। तो ये आप लोगों का व्यू क्लियर है, फिर सुनो, देखो डाउन अप, अब इसको मैं कोई डेफिनेशन नहीं दे सकता हूं दूसरी अप डाउन को, मैं बोल रहा हूं पहले डाउन रहेगा मार्केट फिर अप होगा 1 बजे से। तो तुम्हें क्या है यहाँ पे एक बार देखना है, देखो हमने बोला गैप अप, गैप अप खुलता है मार्केट के साथ रहो 10 बजे तक ऊपर की तरफ, नीचे आता है तो ऊपर, ठीक। दूसरा क्या है, 10:30 से डाउन, ठीक है, डाउन की साइड में ज्यादा जाएगा मार्केट, ये चीज ध्यान रखना 10 बजे के बाद में। थर्ड फिर आपको 1 बजे देखना है। अच्छा अब ये 3 टाइम हो गए, अभी तुम्हें करना क्या है, बस उस टाइम पे उसको वॉच करना है कि भाई ये बताया था हो रहा है बहुत अच्छे, नहीं होता है तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं ये वाला जो टाइम है ना 10:30 वाला, इस पे अच्छा डाउन जाना चाहिए मार्केट को, तो उसके पहले से ये शुरू हो सकता है 10 बजे तक, जो मैं अब बोल रहा हूं ये एक्यूरेट तो शुरू होगा यहां से 10:30 से, लेकिन आपको 10 से ही डाउन दिखाई देगा, ठीक है।
और 1 बजे से बोल रहा हूं मैं अब, तो यहाँ पे करना क्या होगा इस पीरियड में, अगर मार्केट में कोई अच्छा खासा हमें नीचे का सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, तो फिर मार्केट अप आएगा। तो हमारे ये 3 टाइम हो गए कल के लिए, इनको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अभी नेक्स्ट क्या है, देखो एक चीज आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आप लोग पूछते भी रहते हो, जैसे पहले जो योग बनते थे जब मार्केट तेजी की तरफ था, तो जो मंदी के योग बनते थे ना, मेरी तरफ से जो 100% जहां मंदी होनी थी वो कितनी होती थी, 70 से 80%। अभी क्या हो रहा है कि जहां तेजी होनी है 100%, वहां तेजी कितनी हो रही है, 70%। तो मतलब ये चीज ज्योतिष के हिसाब से कहीं ना कहीं गलत हो रही है, मतलब अभी मार्केट कहीं ना कहीं आपका डाउन ट्रेंड की तरफ है मेरी तरफ से, ठीक है, बात समझ लेना। मैं फिर बता रहा हूं कि पहले जो मार्केट में क्या होता था कि जहां हम मंदी के योग आते थे तो मार्केट पूरी मंदी एक्सेप्ट नहीं करता था, कम करता था, करता तो था। अभी क्या हो रहा है कि जो तेजी के योग आ रहे हैं उसमें तेजी एक्सेप्ट उतनी नहीं कर रहा है, ठीक है, मंदी ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है, बात समझ गए। तो यहां पे ये चीज, इस योग को आप ध्यान रखना है 10:30 बजे, सिर्फ इतना करना है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी दबाव दिख रहा है, ठीक है। फिर कल के में मैं क्लियर कर दूंगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है कि पहले बता दिया था अभी क्लोज होने से पहले कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपने आज YouTube पे 2 चीज की वोटिंग करनी है जो वीडियो देखते हैं। देखो पहला मैं बोल रहा, मैंने यहां तक के मनी कंट्रोल पे देखा, उसका भी मैसेज आता रहता है, इसके बाद इकोनॉमिक टाइम इसमें भी देखा, मतलब टोटल आदमी जो है आज के लिए नेगेटिव थे मार्केट में, माइनस की तरफ, ठीक। इसके बाद मैंने भी रात को 12 बजे देखा करीब, मैं बोला मैं कहीं गलत तो नहीं बता दिया इसको आज के लिए प्रेडिक्ट, क्योंकि हर आदमी नेगेटिव था आज मार्केट में, और पूरे आदमियों का टारगेट मिनिमम वही था 14,500 और 14,330 के करीब करीब में, ठीक है। तो मैं क्या वोटिंग बोल रहा हूं, अगर ये चीज तुम्हें सही लग रही है जो मैं बोल रहा हूं, और मैंने बोल दिया तेजी, हम तो इसमें तेजी की तरफ थे ना, देखो ये तुम्हें समझाया भी था जो तेजी मंदी बोलते रहते हैं कि मार्केट यहां मंदी है यहां तेजी है, जब तेजी की तरफ है तो यहां से आके इधर जाएगा, ठीक है। तो मेरा वोटिंग ये है कि अगर ये बात तो सही है तो यस बोल देना, यस लिख देना, ठीक है, और अगर गलत है तो नो लिख देना, बस एक चीज मैं चाहता हूं, ठीक है। और अगर जो आदमी आज कॉल साइड रहा है ना पूरे दिन, तो उसको प्रॉफिट भी होगा। हमारे प्रीमियम चैनल में अगर जितना मैंने बोला है काम किया होगा, तो जिसके पास 10,000 रुपये होंगे ना, उसके 27,000-28,000 जरूर हो गए होंगे, मतलब डबल से ट्रिपल हुए हैं, पहली बार में ही डबल से ज्यादा हो गए थे कॉल में। उससे पहले हमने पुट खरीदी थी जब नीचे आया है, फिर एक्यूरेट जहां से मार्केट बाउंस लिया वहां से मैंने कॉल खरीदवाई थी, और जहां डबल हुई है ऊपर जाके मैं बोला डबल हो गई आप लोग निकल जाओ, किसी के पास 4 लॉट हैं तो 1 लॉट कैरी कर लो बस, उससे ज्यादा कैरी मत करो। फिर जब नीचे आ गया है वो कॉल जो 80 गई थी फिर 36 पे आई है, फिर खरीदवाई, मतलब 5 बार नीचे कॉल खरीदवानी है और वो फिर ऊपर गई है, मतलब 4 बढ़े 6 बढ़े 8 बढ़े 10, फिर मैं जहां मेरे को लगा उसके हिसाब से मैं निकलवाता रहा। तो आज मैंने ज्योतिष का फुल फायदा उठाया है, और कहीं ना कहीं मार्केट ने भी ऐसा किया है। तो आप लोगों को 1 वोटिंग है आज के लिए, ठीक है, चलो थैंक यू, जय हिंद।